कॉन्सेप्ट को यूज करके आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट तो जैसे कि नाम नाम इसका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट हमें नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज लिमिट में कोई चीज बहुत कम है हमारे पास अब ऐसा आ, हम कैसे समझेंगे कि क्या चीज कम है तो इसको समझने के लिए ना आप इमेजिन करो कि घर आपके घर पे ना गेस्ट आए आपके घर पे अराउंड ट्वेंटी लोग आए और आपके घर में अब बनी है चाय अब चाय बनाने के लिए अगर 20 लोग हैं तो एटलीस्ट आपको या कप दूध चाहिए और चीनी भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बट अगर मैं बात करूं कि दूध तो मेरे पास सिर्फ चार पांच कप है और चीनी मेरे पास दो किलो पड़ी है अब होगा क्या जो मेरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट क्या है चाय चाय जो चीज़ ज़्यादा है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है जो चीज़ कम है मतलब कि दूध हमारे पास कम है जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है जो चीज़ कम है इसी को हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट बनना है अगर हम रिएक्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना फॉर्म होगा जो रिएक्टेंट अमाउंट में कम है तो उसी जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट हमारा अमाउंट में कम होता है उसी को क्या कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट जो हमारे प्रोडक्ट बनने से रोक रहा है उसको लिमिट कर रहा है और उसी को हम क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट तो इसकी देखते हैं डेफिनेशन तो देखो वो वाला जो क्या हो रहा है एकदम से खत्म हो रहा है सबसे पहले खत्म हो रहा है उसी को क्या कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट तो देखो ऐसा होगा कुछ ना कुछ कि रिएक्टेंट होंगे और उस रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा तो मैंने मान लिया कि ए और बी क्या है रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है सी अब ये जो सी की फॉर्मेशन होगी ना इन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा तो जैसे कि मैंने बात करी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मुझे प्रोडक्ट टी बनाना है चाय बनानी है जिसके लिए मान लो मुझे चाहिए कि दूध और चीनी उसके अलावा भी मुझे बहुत सारा सामान चाहिए बट अभी मैं किन दो चीजों की बात कर रही हूँ दूध और चीनी की जो चीज कम होगी उसी पे क्या डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा तो देखो बाय डेफिनेशन हमने यही बात लिखी द रिएक्टेंट दैट इज कम्पलीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट वो वाला रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा इन अ रिएक्शन उसी को हम क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जो कि लिमिट में है जो कि हमारे पास कम है अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे हमें ये दूध चीनी और ये सबसे तो पता लग गया बट अगर मैं बात कर रही हूँ एक रिएक्शन में तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं देखते हैं वो क्या क्या स्टेप है तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढने के लिए हमें कौन कौन से जो लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमें क्या करना है सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे उन रिएक्टेंट के आगे बैलेंसिंग के टाइम पे कोई ना कोई सोशियोमेट्रिक आए होंगे तो हमें क्या करना है फिर रेशियो निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स से मोल्स और सोशियोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो निकालनी है और जोन जोन से भी रिएक्टेंट होंगे और उनकी जो पर्टिकुलर रेशियो आएगी उसमें से जो मिनिमम रेशियो वाला होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा मतलब कि हमें रिएक्टेंट में से हमारा लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो कि कम अमाउंट में है वो हमें जैसे ही मिल जाएगा हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी साथ साथ मिल जाएगा तो अब हम यही लिमिटिंग रिएजेंट का concept सीखने कोशिश करेंगे निमारिकली करें। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर मिक्स्ड मतलब दो गैसेज हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डाई आर मिक्स्ड हमने क्या कहा इनको मिक्स करा टू प्रोड्यूस वाटर और इन दोनों को मिक्स uh, करके क्या प्रोड्यूस हुआ वाटर प्रोड्यूस हुआ Calculate the amount of H2O produced. हमने क्या निकालना है है कि कितना amount हमारा water का का इन हुआ और साथ साथ ही करना है LR. LR का मतलब है limiting reagent. तो अगर हम ऐसी देख के बताने की कोशिश करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्वेंटी ग्राम है मतलब हाइड्रोजन ट्वेंटी ग्राम है और ऑक्सीजन सिक्सटी फोर ग्राम है तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बट ऐसा नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का तो तो मोलर मास ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा और उसी लिमिटिंग के रिएजेंट के बेसिस पे जो हमारा वाटर का अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा तो देखो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन क्या हुई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों जो कि किसमें थे गैसियस स्टेट में और इससे क्या बन रही है हमारी वाटर प्रोडक्ट बन रहा है जो कि है लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन मिक्स करा ऑक्सीजन मिक्स करा वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन कितने ग्राम गिवन था हमें ट्वेंटी ग्राम ऑक्सीजन गिवन था सिक्सटी फोर ग्राम और इसका हमने अमाउंट निकालना है तो जैसे जैसे अभी हमने स्टेप्स की बात करी थी ना हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो हमारे स्टेप में सबसे पहले क्या था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स तो स्टेप वन में मुझे करना था मोल्स निकालने थे तो मैं बिल्कुल वैसा करूंगी मैं स्टेप वन करूंगी और स्टेप वन में मैं सबसे पहले दोनों के मोल्स निकालूंगी किस किस के रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट में क्या क्या है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स जब मैं निकालूंगी सबसे पहले हाइड्रोजन के और फिर मैं निकालूंगी ऑक्सीजन के मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो कि मैंने मोल कंसेप्ट में यूज किया है वो था कि मेरे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास मोलर मास तो मैं यहाँ पे यही वाला फॉर्मुला लगा दूंगी कि नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे गिवन गिवन मास मास से कितना है ट्वेंटी ग्राम तो हाइड्रोजन का गिवन मास है ट्वेंटी ग्राम और मोलर मास मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन एच टू हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा टू ग्राम पर मोल और ये था ट्वेंटी ग्राम तो ये कैंसिल होकर आगे मेरे पास टेन मोल्स तो मेरे पास स्टेप वन में हाइड्रोजन के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकल आए सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का गिवन मास 64 और O2 है सिंगल ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16 और O2 का हो जाएगा 32 32 ग्राम पर मोल और ये था हमारे पास 64 ग्राम तो ये भी कैंसिल होके आ गया और इसका आएगी वैल्यू 2 मोल्स तो मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए अब स्टेप टू स्टेप टू पे आए तो स्टेप टू हमारा क्या कहता था कि हमें रेशो निकालनी है किस किस की रेशो निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक वैल्यू अब स्टोशियोमेट्रिक वैल्यू स्टोशियोमेट्रिक वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस तो रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर है दो ऑक्सीजन और यहाँ पर है सिंगल ऑक्सीजन तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर टू लगा दूंगी और मुझे दिखा कि हाइड्रोजन कितने हो गए फोर तो मुझे यहां पर भी कितने पर करना पड़ेगा डबल तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस होगी तो ओवरऑल रिएक्शन मेरी क्या बन गई बैलेंस बनगी अब मैं क्या करूंगी स्टेप टू के अंदर मुझे निकालनी है रेशो किस किस की नंबर ऑफ मोल्स की और सोशोमेट्रिक वैल्यू की तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे हाइड्रोजन के केस में कितने आए टेन और इसके आगे जो सोशियोमेट्रिक वैल्यू है वो है टू तो यहाँ से ये आ गई फाइव और यहां पर जब मैं निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स एंड टू और सोशियोमेट्रिक वैल्यू है वन तो ये आ गई टू अब मेरा स्टेप थ्री स्टेप थ्री क्या था वन विद द विद द मिनिमम रेशो जो कम रेशो वाला होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट तो जो कम रेशो वाला इन दोनों में से कम कौन है टू इन दोनों में से कम कौन है टू तो यहां से मेरे स्टेप थ्री के अंदर जो मुझे मेन बात निकालनी थी लिमिटिंग रिएजेंट तो वो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या आया ओ टू तो देखो हमें क्या लग रहा था कि कम अमाउंट में है हाइड्रोजन जो की था 20 ग्राम और 64 ग्राम कौन था ऑक्सीजन तो अब एक्चुअल में जो लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आया वो कौन निकल के आया हमारा टू निकल के आया मतलब कि डाईक्सीजन तो एक बार हमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया अब मुझे पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट पे क्या डिपेंड करने वाली है हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट तो अब हम वही निकालेंगे हम निकालेंगे हमारा एच टू का जो हमें अमाउंट निकालना था आइडेंटिफाई तो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट अब इसके बाद हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे तो मुझे पता लग गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन उक के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा वाटर अब दैट मीन्स कि वन मोल One mole of oxygen. One के आगे कुछ नहीं है तो one होगा। तो टू मोल ऑफ वाटर इससे मुझे क्या मिल रहे हैं टू मोल्स ऑफ वाटर तो वन मोल का मतलब क्या है वन मोल का मतलब कि थर्टी टू ग्राम क्यों एक मोल के अंदर अगर मैं Oxygen, और यहाँ पर ओ टू है तो कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल अब पर मोल क्यों नहीं लिखा मैंने साथ में क्योंकि वन मोल की बात हो रही थी तो कितना आ जाएगा 32 टू ऑफ ऑक्सीजन अब 32 टू ग्राम से कितना बन रहा है टू मोल्स ऑफ वाटर अगर मैं वाटर का मोलर मास निकालू तो वो आएगा सिक्स एटीन uh, एटीन ग्राम पर मोल और यहाँ पर कितने बन रहे हैं टू ग्राम टू मोल्स तो टू मोल्स के लिए वो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर तो मुझे पता लग गया कि थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ वाटर मिल रहे हैं तो वन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितने मिलेंगे थर्टी सिक्स अपॉन थर्टी टू ग्राम ऑफ एच बट यहाँ पर मेरे पास कितने हैं 64 फोर ग्राम्स तो यहाँ पर मेरे को कितने ग्राम्स के अकॉर्डिंग निकालना है 64 फोर ग्राम्स के अकॉर्डिंग तो 64 फोर ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास 36 सिक्स अपॉन थर्टी 64 इंटू ग्राम्स ऑफ एच जब मैं इसको कैंसिल करूंगी तो 32 से 2 पे कैंसिल हुआ 36 सिक्स इंटू तो 36 सिक्स इंटू आ जाएगा 72 टू ऑफ वाटर तो मुझे मिल गया मेरा आंसर मेरा आंसर क्या है अगर मेरे पास ऐसी एक रिएक्शन है जिसके अंदर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट आया O2 तो अगर मैं O2 लूंगी सिक्सटी फोर ग्राम्स तो मुझे जो वाटर मिलेगा वो कितना मिलेगा 72 टू ग्राम्स तो मेरा आंसर कितना आया कि 72 टू ग्राम्स ऑफ एच टू ओ प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस हुआ 72 टू ग्राम ऑफ एच टू ओ प्रोड्यूस हुआ तो ये था क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड हम एक क्या करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे एक बार आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब आप वो क्वेश्चन एकदम से कर लोगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा चलते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम पे तो देखो इसके अंदर क्या है फिफ्टी किलोग्राम ऑफ एन टू एंड टेन किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब एन टू और एच टू को हमने मिक्स करा टू फॉर्म टू प्रोड्यूस एन एच थ्री जो होता है अमोनिया तो हमें पता है एन टू और एच टू को हमने क्या करा मिक्स करा और हमारा क्या बन गया अमोनिया और तीनों ही किस में है? स्टेट में है है स्टेट कैलकुलेट तीनोंट दी एनएच थ्री मतलब कि जो अमोनिया बना वो हमें कैलकुलेट करना है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनएच थ्री जो हमारी एनएच थ्री की प्रोडक्शन इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है यह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी करा करेक्ट एग्जैक्टली exactly हमें उसके अमाउंट गिवन है हमें एन की अमाउंट निकालनी है और साथ ही साथ हमें लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना है और हमें कितना कितना अमाउंट गिवन है यहाँ पर फिफ्टी के जी और एच टू हमें गिवन है टेन के जी सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब हमें ग्राम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और सिमिलर हमारा क्वेश्चन पिछली बार के जैसे ही बन जाएगा तो हम सबसे पहले वही करते हैं हम किलोग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में कन्वर्ट ग्राम कर देंगे तो ये आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड ग्राम्स और ये मेरे पास आ जाएगा टेन थाउजेंड ग्राम्स तो आगे मेरे पास पूरी जो अमाउंट था वो ग्राम्स में साथ ही साथ मुझे पता आपकी रिएक्शन मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी तो मैं साथ साथ ही रिएक्शन क्या कर लेती हूँ बैलेंस कर लेती हूँ तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट्रोजन है दो और यहाँ पर है वन तो मैंने क्या करा यहाँ पर टू लगा दिया हाइड्रोजन हो गए सिक्स तो यहाँ पर सिक्स करने के लिए मुझे एच टू के आगे क्या लगाना पड़ेगा थ्री तो मेरी रिएक्शन बैलेंस भी होगी रिएक्शन बैलेंस होगी अमाउंट आ गया तो अपने हम अब हम हमें स्टेप्स पता है कि क्या करना है सबसे पहले स्टेप में मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स तो स्टेप वन जिसमें मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स और इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास तो गिवन मास कितना है इन द केस ऑफ n2 और यहां पे मैं बना लेती हूं h2 तो n2 के केस में गिवन मास है हमारे पास 50000 और मोलर मास मोलर मास N2 के लिए निकाल रहे हैं सिंगल N के लिए होता है 14 और N2 के लिए कितना आ जाएगा 28 यहाँ आ जाएगा ग्राम पर मोल H2 के लिए जो हम निकालेंगे तो H2 का गिवन मास है 10000 और इस बार हम एग्जैक्ट ले लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें तभी पता लगेंगे जब हम H2 का हाइड्रोजन का 1.008 लेंगे और एग्जैक्ट यहां पर कितना आ जाएगा दो के लिए 2.016 ग्राम पर मोल और ये आ जाएगा ग्राम में वैसे हम टूले की भी कैलकुलेशंस कर सकते थे उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होती तो इसको जब अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास कैलकुलेशंस आई वो क्या रहेंगी इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 1785.7 मोल्स मतलब ये आगे नंबर ऑफ मोल्स एन टू के और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फोर नाइन सिक्स जीरो पॉइंट थ्री मूल्स तो ये मेरे को पता लग गया कि कितने कितने मोल्स आने वाले हैं तो अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ मतलब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन रेस्टोपार थ्री मैंने प्रॉपर राउंड ऑफ करके लिख दिया है और ये आ जाएगा मेरे पास फोर पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन रिजपार थ्री मूल्स तो मेरे पास क्या आ गए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए अब स्टेप टू स्टेप टू क्या कहता है कि मुझे रेशो निकालनी है किस किस की नंबर ऑफ मोल्स और सोशोमेट्रिक ऑफिशियंट की तो नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन रिस्टू पार्ट थ्री और सोशोमेट्रिक ऑफिशियट मतलब इसके आगे क्या है सिर्फ वन है तो मेरे पास कितने आ गया ये रेशो की वैल्यू सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन रिस्टू पार्ट थ्री और एच टू के लिए यही रेशो कितनी आ जाएगी फोर पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन एच टू पार्ट थ्री और इसकी जोशियोमेट्रिक रेशो है कितनी थ्री है इसकी वैल्यू तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा मेरे पास हम अलग अलग कर देते हैं वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन एच टू पार्ट थ्री तो अब जिसकी रेशो कम होती है वो हमारा क्या बनता है लिमिटिंग रिएजेंट तो ध्यान से देखो किसकी रेशो कम है हमारे एच टू की रेशो कम है तो आ गया मेरे पास हाइड्रोजन की वैल्यू कि हाइड्रोजन के मोल्स के जो रेशो आई वो कितनी आई वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन एचपा थ्री और नाइट्रोजन से कितनी आई सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स इंटू टेन एचपा थ्री तो दोनों में से कम कौन सा है वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टेन एचपा थ्री तो ये हमारी क्या बन गई लिमिटिंग रिएजेंट अभी इसी लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हमारा स्टेप थ्री होता है तो हमारा स्टेप थ्री क्या होता है हमारे स्टेप थ्री में होता है हमें निकालना होता है लिमिटिंग रिएजेंट जिसका रेशो कम हो वही क्या बनता है लिमिटिंग रिएजेंट तो किसका रेशो कम था h2 का डाई का तो मुझे पता लगा कि लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आया h2 मतलब कि डाई हाइड्रोजन हमारा क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट अब उसी के अमाउंट पे क्या डिपेंड करने वाला है हमारा अमाउंट ऑफ nh3 प्रोड्यूस्ड कितना nh3 बनेगा वो सीधा-सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे h2 के मोल्स पे तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं तो मुझे एक बात पता लग रही है कि थ्री मोल्स हाइड्रोजन के थ्री मोल्स कितने अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं टू मोल्स को तो थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अब ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो तीन मोल हाइड्रोजन से दो मोल अमोनिया के मिल रहे हैं तो अगर मैं बात करूं अब मोल्स को जैसे क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अमाउंट तो ग्राम्स में है तो मैं मोल्स किस में कन्वर्ट करने वाली हूँ तो, तो वन मोल कितना थ्री मोल्स की, की तो कितना आ जाएगा थ्री इंटू टू ग्राम ऑफ एच इतने ग्राम्स कितना प्रोड्यूस करेंगे अब टू मोल्स हैं अगर मैं एक एन की बात करू नाइट्रोजन का मास फोर्टीन प्लस ये आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ट्वेंटी एट क्यों आया था वन इंटू थ्री ये करके आ जाएगा मेरे पास सेवनटीन तो एक सेवेंटीन इंटू टू थर्टी फोर ग्राम्स ऑफ एन एच थ्री तो मुझे पता लग गया कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है थ्री मोल्स एच टू से टू मोल्स एन एच थ्री की प्रोडक्शन हो रही है और मैंने दोनों को किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया अब ये कन्वर्ट करने के बाद मैं कितने के लिए निकालूंगी इन जनरल वन ग्राम के लिए तो अगर मैं बात करूँ वन ग्राम ऑफ एच टू वन ग्राम एच टू के लिए कितना हो जाएगा थर्टी फोर अपॉन इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा सिक्स पॉइंट ज़ीरो फोर एट जिसको मैं लिख दूंगी फाइव ग्राम्स ऑफ एन एच थ्री तो ये तो आ गया वन ग्राम के लिए मेरे पास कितने ग्राम्स है हाइड्रोजन के मेरे पास है टेन थाउजेंड ग्राम मेरे पास है टेन थाउजेंड ग्राम्स ऑफ एच टू और उससे आ जाएगा थर्टी फोर इन टू टेन थाउजेंड अपॉन सिक्स जीरो सॉल्व करके फाइव सिक्स ऑफ एन एच थ्री पर मेरा जो क्वेश्चन था ना वो के जी में था तो मुझे जो आंसर है ना वो भी किस में देना के जी में देना तो मैं ग्राम से जब के जी में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे थ्री डेसिमल आगे चले जाएंगे क्यों क्योंकि तब हो जाएगा थाउजेंड से डिवाइड तो फाइव सिक्स वन नाइन एट पॉइंट थ्री फोर वन डिवाइडेड बाय थाउजेंड तो ये बन जाएगा फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन के जी ऑफ अमोनिया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया मेरा आंसर क्या आया कि अगर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकला था H2 तो यहाँ से मेरे कितने अमोनिया की प्रोडक्शन हुई 56.1 सिक्स पॉइंट वन के जी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड तो मेरा 56.1 सिक्स अमोनिया प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ मुझे पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे और क्यों लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है जो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से आता है उसी पे डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा उसी के अमाउंट पे उसी के नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड करता है और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के कुछ स्टेप्स से जो हमें पता लग गया तब तो हम जल्दी से देखेंगे कि हमने क्या क्या, क्या किया और पूरे टॉपिक को समराइज करने से पहले मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चन अब वो एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे

AgCl क्या है सिल्वर नाइट आ, सिल्वर क्लो, क्लोराइड एंड HNO3 क्या है नाइट्रिक एसिड तो AgNO3 और HCl मिक्स करके क्या बना रहे हैं AgCl और नाइट्रिक एसिड आपको सिर्फ यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट तो जब आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे रेशियो निकालोगे तो जिसका लोअर रेशो आएगा वो आएगा लिमिटिंग रिएजेंट और इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट आएगा अपना AgNO3 तो AgNO3 हमें पता लग गया क्या आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए जी बी आर मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड के कितने आपको ग्राम्स लेने ग्राम्स uh, प्रोड्यूस होंगे कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्यूशन जब आपको क्या मिक्स करना है कंटेनिंग एम जी बी आर टू मतलब कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 100 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 50 ग्राम मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है 100 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लेना है इन दोनों को मिक्स करना है इससे क्या बनेगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड और आपको यही बताना है कि सिल्वर ब्रोमाइड कितना बन रहा है और हमें पता है कि ये निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट तो आप लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हो या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप अमाउंट निकाल लोगे कि की, की कितनी प्रोड्यूस हुई इसके केस में आंसर आपका आएगा जो आएगा जो लिमिटिंग रिएजेंट वो आएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड और जब हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अमाउंट निकालेंगे हमारे प्रोडक्ट का मतलब की एजीबीआर का तो वो आएगा वन जीरो टू ग्राम्स अब एक चीज सोचो ये वन जीरो टू जो है ना ये है अप्रोक्सीमेट इसको हम लिखते हैं अप्रोक्स अगर आपका मान लो तक, तक जीरो तो आपका आंसर आप तो क्यों? क्यों होता है और ये अप्रोक्सीमेट क्यों होता है कि कई बार हम मोलर मास के थोड़े से पॉइंट राउंड ऑफ कर देते हैं उस केस में हमारा थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो सकता है एंड दैट इज नॉर्मल उसमें कोई भी इश्यू नहीं है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके आसपास ही आंसर आएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक अब हमने क्या करा लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा कर लिया अब इसके बाद हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स देखनी है और अलग अलग तरह की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म देखनी है सिर्फ एक नहीं हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं तो वो देखेंगे हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में तो स्टे यून थैंक यू सो मच